अस्सलाम वालेकुम, देखने वाले प्यारे लोगों, क्या हालचाल है। गुड मॉर्निंग। हम जॉब पे जा रहे हैं और आज मैं अपनी गाड़ी पे नहीं जा रहा, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, इंश्योरेंस का प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज जा रहे हैं हम जिमी न्यूट्रॉन के साथ। जी जिमी साहब, क्या ऊंचा बोलने की गड्डी दे बैठे गड्डी बैठ के बैठा हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक हैं। और जा रहे हैं इंशाल्लाह, अभी टैटू पार्टियां लगाते जाएंगे। अच्छा, रात को आप फ्री हैं और पहुंचेंगे जी जॉब से वापसी में? जी फ्री। अच्छा चलो जी, हमारा प्रोग्राम था, आतिफ ने भी कहा था कि आज नहीं बल्कि ये तो फ्राइडे को कहा था, फ्राइडे को चले जाएंगे। फ्राइडे को आप फ्री होंगे शॉप पे? फ्राइडे को मैं जब जॉब से वापस आऊंगा ना, तो इसके साथ फिर प्रोग्राम है बाहर घूमने फिरने का। आज हमारी वैक्सीन है, बल्कि आपका भाई जर्मनी जा रहा है। अरे क्या बात है। लो जी, ये बंदा भी जर्मनी जा रहा है घूमने फिरने, खैर हो ऐसी। तो वैक्सीन कब करवाने जाना? आज शाम को। चलो जी, आज शाम को इसकी जॉब के पास वैक्सीन भी है और आज जाके जॉब पे शुक्र मुकर लगाते हैं। आज इनकी गाड़ी पे जा रहे हैं, इनकी BMW पे। क्यों जी? BMW कहता है मुझे एक दा जरा मोटर वे पे पहुँचने दो, तो 700 की स्पीड के ऊपर मैं जाऊँगा तुम्हारी BMW को काटने वाली स्पीड। छह बजे पहुंचा रहा है। तो वहाँ पे पहुंच के भी देखते हैं कि क्या टाइम हमें लग जाता है पहुंचते पहुंचते। हाँ जी, देखने वाले प्यारे लोगों, एक बड़ा फनी सीन चल रहा है। हम जॉब पे दोनों बैठे हुए हैं ना, तो इसका एक फ्रेंड ना यूके आना चाह रहा है, ठीक है। और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उस एजेंट की और उसकी बात चल रही है और इसने एजेंट से बात करवाई है। एजेंट ने ना उससे इंग्लिश में ना कुछ पूछ लिया हुआ, ठीक है। तो उसका ना अभी एक वॉइस मैसेज आया, और वॉइस मैसेज ऐसा है, यकीन मानो, सुन के ना इतनी हंसी आती है ना। साथ वो कह रहा थोड़ी बहुत मैं बोल लेना, और जब इससे कोई मतलब थोड़ी सी बात हुई है ना, तो उसका क्या वॉइस मैसेज आया जरा वो सुने। हाँ भी सुना। अभी सारी गल कर लांगे ना, तो रला को नहीं है। अभी ना इससे हमने जानबूझ के ना एक सवाल भी पूछा है इंग्लिश में, ना जान के सवाल पूछा है कि इसका ना जवाब दे, देखते हैं इसका क्या फनी रिप्लाई आता है। और ये रियल मतलब चैट चल रही है, कोई ये नहीं कि हम कोई को स्क्रिप्ट कर रहे हैं। अच्छा, तूने क्या इसको मैसेज किया, इसने जो मैसेज किया ना, जरा सुना सुना से इसने जो मैसेज किया। कौन सा वाला? ये जो तुमने इसको सेंड किया ना, माई फैमिली इन योर फैमिली इन यूके वाला, जरा वो जरा दिखा ना, जरा वॉइस मैसेज ला। ये देखें अब इसको जो क्वेश्चन किया आगे से क्या है। इंग्लिश जवाब दे जरा के, व्हाई यू आर गोइंग टू यूके, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन यूके। लो जी, ये इसको मैसेज किया है इसने ना, अभी ये वाला मैसेज किया है कि ना इसका जवाब देना। मैंने इसको कहा कि इससे ना इंग्लिश में पूछ, लाइक इसके माइंड में ये आया ना, तो मैंने कहा कि इससे पूछ, इसका जो आंसर आएगा ना वो ऑडियंस को सुनाते हैं कि क्या होता है। भाई इंग्लिश बड़ी ज़रूरी है, लाइक लोग जो ईजी लेते हैं ना उनको नहीं लेना चाहिए। मेरी खुद यही हालत थी जब मैं आया था, झूठ नहीं बोलूँगा, बट क्या है कि यहाँ पर रह रहा है कि सुन सुन के, और मतलब जब बंदा मार खाता है ना, तो बंदे को आना शुरू हो जाती है। तो इंग्लिश सीख क्या करो, भैन दी सीरी जो जवाब आंदा ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि उस बंदे का क्या जवाब आया। यार अभी रिप्लाई आया बंदे का, आप रिप्लाई सुने, उसने बड़ा सीरियस होकर जवाब दिया कि हमने जैसे सवाल किया ना। लो अभी सुना, अभी क्या रिप्लाई आया, सुनो सुनो रिप्लाई सुनो। आई एम गोइंग टू यूके इन द विजिट माय फर्स्ट कजन इन द यूके खुद नहीं अद्धी समझ आई, अद्धी कोई नहीं समझ आई ना। तो लाइक ये है कि इन द यूके, और पता नहीं क्या बोल रहा यार, यही होता है भाई। इंग्लिश सीख ले, मैं भी इसलिए सीख रहा हूँ यार, बंदा थोड़ा बहुत मुँह मारने जोगा हो जाता है। मेरी भी सेम इंग्लिश इसी तरह थी जब मैं आया था आज से 4 साल पहले, बट अब अलहमदुल्ला काफ़ी यानी कि धक्के खा के ना सीख ली है। तो इंग्लिश सीख लो, चंगी होती जी। बाकी ये है कि घर जाते हैं, अभी टाइम पड़ा हुआ तकरीबन 2-4 घंटे पे, 3 साढ़े 3 घंटे पड़े हुए हैं। तो ये लड़का भी, इसने भी वैक्सीन लगवाने में कल जाना है,
तो इसके साथ ही शायद मैं वापसी वैक्सीन लगवाने जाऊँ या ये मुझे रस्ते में उतार देगा। इसकी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैंने आपको बताया कि आज मैं इसकी गाड़ी पर आया हूँ। तो लेट्स सी कि क्या बनता है, अब इसके साथ वापसी फिर निकलते हैं। तो ये आज का शुक्र मेला था, मैं क्या सुना दूँ। लो जी गाइज, एक और सवाल पूछने लगे हैं इससे, अभी देखना आपके सामने सवाल पूछते हैं, आगे से जवाब क्या आता है वो भी बताते हैं। तो कोई नहीं, तो कट के मैसेज कर, कट के मैसेज कर। लो जी गाइज, कॉल आ रही थी। अच्छा एदा ये एक और मैं दस के तेनों पूछन के इफ यू गॉट यूके वीजा व्हाट यू डू देयर, एदा भी मैं जल्दी करके दस। लो जी गाइज, ये वॉइस मैसेज किया उसको, वो आगे कॉल कर रहा था, असल में ना वो हमारे से इंग्लिश में बात नहीं करना चाह रहा ना, तो अभी उसको एक और मैसेज किया, देखते हैं इसका क्या रिप्लाई आता है। जो भी रिप्लाई आता है ना तो, अच्छा ये अभी जो भी रिप्लाई आता है ना, मैं आप लोगों को फिर रिपीट करके दिखाता हूँ, मतलब क्लिप अगला बना के दिखाता हूँ। ओए गाइस, अभी जो इसको मैसेज किया ना, उसका रिप्लाई क्या है ये चेक करें। हाँ, यानी कि उन्होंने पूछना है कि तू यूके का वीजा कितने लिया, कितना लिया यही ना। ओए इसको इन कह के नहीं नहीं है, नहीं कहना है, कहना तो इंग्लिश में की कहना है ना, इनु सही वाला, इसको सही वाली उर्दू बता ना, इंग्लिश की जो उर्दू है ना इसको सही वाली बता, इसका रिप्लाई क्या आता है। हां उर्दू जी दस लेना। नहीं एदा मतलब है कि जे तैनू यूके का वीजा मिल जाए तो तू यूके जाके की करेगा उथे, एवन दस। हूं लो जी पब्लिक, ये मैसेज दोबारा सेंड हुआ है, अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है ये देखे। आई आई मम्मा तू सीधा सुना ना, थानो तू दसना मम्मा के से की करना जाके, उठे वर्क ही करांगे, काम ही करांगे जाके, तू दसना के हमें सानू अगवे दा की जवाब देना है, यानी कि अगर ऐसा सवाल ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਰਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹੋਣ उसको ना हम एक और चीज कहने लगे हैं, इसको ना इन कह के ग्रेवी एड का वीजा अगर तेन मिल जाए सस्ता मिल जाए तो जाना पसंद करेगा क्या क्या। अच्छा शेबी, अगर जे तेनू ग्रेवयार्ड दा वीज़ा लै दें, यूरोप कंट्री बड़ा वड्डा, ते उत्थे ठीक है जाए यार पब्लिक, अब देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। यार ये मेरे जेहन में एकदम आइडिया आया, मैं कहीं से पूछते हैं कि अगर इसको ग्रेवयार्ड का वीज़ा मिल जाए सस्ते में, तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा, अब देखते हैं। इसको इतना पता है कि नहीं ग्रेवयार्ड का, ये कह रहा था कि मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, अब या तो ये इसको ये पकड़ लेगा कि मेरा जान के मजाक उड़ा रही है, या कोई ना कोई तो जवाब देगा, देखते हैं। जो भी जवाब आता है ना आपको वो भी सुनाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, ये देखिए देखिए ये देख करिए ये देख करिए, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, अभी देखना जो भी आएगा ना, चुप करके सुनिए बीच बोली ना आवाज़ दे, अब जो भी आती है ना आवाज़ सुनना, पता नहीं क्यों शक पै रहे दोबारा शुरू से चला कहता उधर से की हिसाब है, यानी कि की हिसाब किताब है, उतो टंकी है, उतो टंकी है यार, तो बस वाला तो बस वाला तो बस वाला यार गाइस चेक किया लड़के की इंग्लिश ओपी है यार, ओपी है कसम से, उसको ग्रेवयार्ड का भी नहीं पता है, और वो मुझे हमें वो कह रहा है कि हमें इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत आती है, बट फर फर नहीं आती उसकी, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश है ना वो निकलवाना चाह रहे थे हम बाहर, और वो निकाल रहा है आपके सामने, आपको बता रहा है। हाँ जी अगला 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 बात सुनिए गाइस। यार हाँ यूके का भी कर लाँगे इंशाल्लाह, लेकिन ग्रेवयार्ड ना जर्मनी के लागे ही है कंट्री, ते काम ही तेनू बाय रोड लैके जा सकता है, ते की कहना ग्रेवयार्ड का वीज़ा लवा दिए ईजीली हो सकता है, या ए भी ग्रेवयार्ड तेनू बाय रोड ग्रेवयार्ड तू जर्मनी पहुँचा देंगे मैं दस। लो जी इतना सीधी तो आके पूछ रहे हैं और वो उस चीज़ का जवाब दे रहा है। लो जी पब्लिक रिप्लाई है, पैसे कितने लेगा, टाइम कितना लेगा, डॉक्यूमेंट की लेगा,
ग्रेवियड जाना लड़के ने, ठीक है, और कितने पैसे लेंगे? ओनू कह भाई एक कफन चाहिए होता बस। अगर आप लोग कहेंगे ना तो और किसी के साथ इस तरह का शुगर लगाएंगे, अभी फिलहाल जो सर इतना ही काफी है, इनफ है। तो बाकी अभी वेट कर रहे हैं, छुट्टी का बंदा आता तो फिर छुट्टी करके घर जाते हैं। लो जी, देखने वाले प्यारे लोगों, हम निकल रहे हैं घर की तरफ। आज थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं बिकॉज इसकी अपॉइंटमेंट थी, तो इसलिए आज जल्दी घर निकल पड़े। जवेद तो देखने वाले प्यारे लोगों, अभी बिरयानी हमने खा ली हुई है, बिरयानी अभी खा के हटे और इधर व्लॉग चल रहा है हमारा, और चाय का वेट हो रहा है, चाय आती है तो चाय पीते हैं मजेदार। ने हाई लेवल जिसने 15 बैंड या 12 बैंड कम से कम लिए थे आइट्स में, आपने उस बंदे की इंग्लिश भी सुन ली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो मेक श्योर जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि शकील व्लॉग्स को सपोर्ट मिल सके। आप लोगों का एक एक लाइक जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा नहीं तो 100 लाइक का आप लोगों के लिए टारगेट रख देता हूँ। इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिएगा तो मुझे बड़ा अच्छा फील होगा कि आपने मेरी बात मानी है। जितने बंदे देख रहे हैं मेक श्योर वीडियो एंड होने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाल किडे पची पची आए हैं, बाल मेरे पैंट तीसरी बार में पता नहीं की हो गई, नींद आई है बहुत ज़्यादा, जॉब से थका हुआ। चंगा मोड़ फिर।